मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या मैं टिप्पणियां, क्या मैं बमंजा, क्या मैं मुख्तियार में, क्या शबनम की डॉक्यूमेंट्री में, क्या गंधर्व कुमार में, क्या वोदेविल, क्या पुरुषोत्तम, क्या अली सरदार में, क्या एटेलियर की दास्तान गोई में, क्या मकसद के म्यूजिक में, क्या जेएनयू के कैंपस में। खोजोगे तो तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में, खोजोगे तो तुरंत मिलूंगा इन सब की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो हाजरीन, कुछ कम भरोसेमंद सोर्सेज ये भी बताते हैं कि बाबा नानक अपनी उदासियों के दौरान, यानी जर्नीज के दौरान, जब काशी पहुंचे तो उनकी मुलाकात कबीर से हुई। आपको यकीन नहीं होगा, इस मुलाकात का YouTube पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। खैर, मन ये सोचता है कि अगर वो दोनों मिले होंगे, अगर कबीर और नानक मिले होंगे, तो उन दोनों ने क्या बात की होगी। क्या ऐसे ही चाय पी होगी या खाना खाया होगा, या फिर एक दूसरे को देखकर बस चुप हो गए होंगे और उस अपार शांति में एक दूसरे को बस एक तक निहार रहे होंगे। उस एक को दोनों जानते हैं, दोनों उस एक की ही बात करते हैं। शायद वो दोनों एक ही हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भक्तों की वाणी का सबसे बड़ा हिस्सा कबीर साहब का आता है। एक ओंकार बाबा नानक का मंत्र है। तो मन यही कहता है कि अगर वो दोनों मिले होंगे, तो दोनों ने उस एक को सब कुछ सौंपने की बात की होगी। घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप ही डंडे, आप तराजू, आप ही डंडे, आप तराजू, आप ही बेटा तोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप बगीचा, आप हिमाली, आप बगीचा, आप हिमाली, आप ही कलिया तोड़ता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। सब बन सब में आप विराजे, सब बन सब में आप विराजे, जड़ चेतन में लोलता है, घट घट में पंछी बोलता है,
घट घट में पंछी बोलता है, आप ही गाता आप बजाता, आप ही गाता आप बजाता, आप ही बैठा देखता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मन की कुंडी खोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, 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 पंछी बोलता, पंछी बोलता, पंछी बोलता, पंछी बोलता, पंछी बोलता। कबीर के समय में निगुरा होना गाली समान था। गुरु की महिमा परंपार है, गुरु के बिना भवसागर को तरना लगभग असंभव है। काशी के स्वामी रामानंद ने कबीर को उनकी जाति के आधार पर शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमारे कबीर भी हटी हैं। कथा कुछ यूं है कि कबीर काशी के पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर जाकर आधी रात को लेट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सूर्योदय से पूर्व स्वामी वहां आएंगे स्नान के लिए, और हाजरीन हुआ भी कुछ यूं ही। सूर्योदय से पहले स्वामी रामानंद घाट की तरफ आए, वो जैसे ही सीढ़ियां उतर रहे थे कि सीढ़ियों में लेटे हुए कबीर के माथे से उनका पैर टकरा गया और उनके मुख से घबराहट में निकला, राम 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 राम। बस कबीर को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, कबीर को गुरु मंत्र मिल गया, राम की धुन कबीर की सांस बन गई, और सांस की डोर डोर में राम रम गया। राम के सिवा कोई दूसरा तो रहा ही नहीं, मानो के पूरा ब्रह्मांड ही राम हो गया। परंतु कैसा है कबीर का राम? कबीर खुद ही जवाब दे देते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गट गट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। राम मेरा
कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, अपत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, अकृत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, अकृत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, कछु कही न जाई। गूंगे केरी सरकरा, गूंगे केरी सरकरा, बैठे मुस्कुराई, अकत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, अकत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, कछु कही न जाई, कछु कही न जाई। भूमि बिना अरु बीज बिना तरवर एक है भाई, भूमि बिना अरु बीज बिना तरवर एक है भाई, तरवर एक भाई। अनंत फल प्रकाशिया, अनंत फल प्रकाशिया, गुरु दिया बताई, गुरु दिया बताई, गुरु दिया बताई, गुरु दिया बताई। अकत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, अकत कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, कछु कही न जाई, कछु कही न जाई, कछु कही न जाई। अकत कहानी प्रेम की और कछु कही न जाई। कबीर बुनकर थे, धागा बुनते थे, कपड़ा बनाते थे, बाजार में कपड़े को बेचकर अपना घर गृहस्थी चलाते। कबीर सारी उम्र गृहस्थ रहे, अपनी पत्नी लोई, बच्चे कमाल और कमाली के साथ कीर्तन की तैयारी करते, गाते उस अनहद के बाजे की धुन को प्रेम से डूब कर। कबीर जब भी कपड़ा बेचने बाजार जाते तो अक्सर ये कहते, राम के लिए बनाया है, बड़े प्रेम से बनाया है। जिंदगी रूपी चदरिया झीनी झीनी है, बारीक है, उसी चदरिया को सारी उम्र बुनते रहे और प्रेम से गाते रहे, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, राम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अस्त कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांची तत्व की पूरी चदरिया, पांच तत्व की पूरी, नौ दस मास पुनन को लागे, ओ नौ दस मास पुनन को लागे, घर आई जद मोरी चादर बन
दरियाई रंगरेजी को दीनी चदरिया रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे संकावती करियो दो दिन तुमको दीनी चदरिया दो दिन तुमको दीनी मूरख लोग वेद नहीं जाने हो मूरख लोग वेद नहीं जाने सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव निर्मल कीनी दास कबीरी जतन करी ओड़ी दास कबीरी जतन करी ओड़ी तो धर दीनी चदरिया जीनी रे हिंदी के नामवर अफसाना निगार और नाटककार भीष्म साहनी अपने नाटक में कबीरा खड़ा बाजार में के द्वारा रिलीजियस हेजमनी और कास्ट डिवाइड को रेखांकित करते हुए महंत और मौलवी की कबीर को लेकर इनसिक्योरिटीज को बखूबी पेश करते हैं। जाति को लेकर उनकी परछाई से बचते हुए ब्राह्मणों से कबीर पूछते हैं, पड़ी पड़ी के पत्थर भया लिख लिख भया तू वीद, पड़ी पड़ी के पत्थर भया लिख लिख भया तू वीद, कहे कबीरा प्रेम की लागी ना एको छीट, कबीरा लागी ना एको छीट। कैसे एक होई रे कैसे एक होई रे नहीं एक होई रे
तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, नहीं एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता खल की रेखी, मैं कहता आखल की रेखी, सुली जाई रे, हाँ हाँ मेरे ता सुली जाई रे, कैसे एक होई रे, नहीं एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई कबीरा, पढ़े सो पंडित होई, कैसे एक होई रे, नहीं एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, हाँ तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मही रहियो, तू जाता जाता है मोई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, नहीं एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मानवा कैसे एक होई रे। सती गुरुदारा कबीरा, कहत कबीर सुनो पैसा तू, तब ही वैसा वैसा होई रे, श्री रांगे राघव के उपन्यास लोई का ताना के एक प्रकरण में मौलवी को एक आदमी कबीर की शिकायत करता हुआ कहता है, ये 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 काफिर है, हमारे खिलाफ बोलता है। कबीर फरमाते हैं, दिन भर रोजा रखत है, रात हंडत है गाय, दिन भर रोजा रखत है, रात हंडत है गाय, ये तो खून न बंदगी, कैसी खुशी खुदाए कबीरा, कैसी खुशी खुदाए। पूछने पर कि कबीर का मजहब क्या है, कबीर फरमाते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आए,
कहू कौने भरमाया, दुई जगदीश कहाँ ते आए कहू कौने भरमाया, अल्लाह राम रहीम केशव हरी हजरत बस नाम धराया, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए कबीरा एक जमी पर रहिए। साहेब कैसा है तेरा मालिक कैसा है न जाने तेरा, साहेब कैसा है। साहेब कैसा है तेरा मालिक कैसा है, साहेब कैसा है तेरा मालिक कैसा है, ना जाने तेरा। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहब बैरा है, क्या तेरा साहब बैरा है, क्या तेरा साहब बैरा है। चीटी के पावने वाली बाजे, चीटी के पावने वाले बाजे, सोभी साहब सुनता है, सोभी साहब सुनता है, सोभी साहब सुनता है, ना जाने तेरा। हो साहब कैसा है, मालिक कैसा कैसा है, मालिक कैसा है। पंडित हो यके आसन मारे, पंडित हो यके आसन मारे, लंबी माला जपता है, लंबी माला जपता है, हाँ लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी, अंदर तेरे कपट कतरनी, सोभी साहब लिखता है, सोभी साहब लिखता है, सोभी साहब लिखता है, ना जाने तेरा। कैसा कैसा है।
कबीर पंथी मान्यताओं की माने तो मौलाना शेख तकी ने कबीर के विरोध में इस्लामिक भावनाओं को तूल दिया। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को कबीर की ब्लास्फेमी ये कहे इष्ट निंदा की शिकायत की गई और कबीर को सजाए मौत का फरमान जारी हुआ। बादशाह के फरमान में कबीर को सुबह सुबह दरबार में हाजिर होने को कहा गया। कबीर ने माथे पर चंदन का तिलक किया, गले में तुलसी की माला पहनी, सर पे पगड़ी बांधी, उसमें मोर पंख की कलगी खूसी और शाम को दरबार जा पहुंचे। लेट पहुंचने पर दरबारी नाराज हुए और कबीर पर टूट पड़े और बोले, बादशाह को सलाम करो, उनसे माफी मांगो। बादशाह पीर है पीर, तुम्हें माफ कर देंगे। कबीर लाजवाब जवाब देते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बे पीर, कबीरा सो का फिर बे पीर। कबीर की साफ गोई और मस्तानगी की कोई सीमा न थी। यातनाएं साजिशें चलती रही और कबीर भी मस्ताना दीवाना हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क दीवाना, हमन को होशिया है इश्क मस्ताना, मन को होशियारी क्या, मन है इश्क मस्ताना, मन है इश्क दीवाना, मन को होशियारी क्या, मन को होशियारी क्या। रहे जग में रहे आजादिया, जग में रहे आजादिया, जग में हमें दुनिया से यारी का, हमें दुनिया से यारी का। हमन है इश्क मस्ताना, अपने को बहुत कर सिर पटकते हो, हमने गुरु नाम साचा है, हमने को इंतजार क्या, हमने को इंतजार क्या, हमने है इश्क मस्ताना।
बिछड़े पिया हमसे, पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, ना हम बिछड़े है उनसे नह लगी ऐसी, हाँ उनसे नह लगी ऐसी, हाँ उनसे नह लगी ऐसी, हमने दुनिया से यारी क्या, हमने दुनिया से यारी क्या, हमने है इश्क मस्ताना, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम वे, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमने को इंतजारी का, मन है इश्क मस्ताना, अभी हम दास्ता के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ताली के साथ में जुड़े और गाए हमारे साथ में। कबीरा इश्क का माता, 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 तू ही को दूर कर दिल से, जो चले ना राह नाजुक है, 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 मन तेरे बोझ भारी क्या, हमने मैं इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या, हमने इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या, मस्ताना कबीरा इश्क दीवाना, इश्क दीवाना कबीरा इश्क दीवाना, इश्क दीवाना कबीरा इश्क मस्ताना, इश्क दीवाना कबीरा इश्क मस्ताना, दीवाना 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 दीवाना।
इश्क दीवाना साथियों, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे अभी तक जमे हुए हैं। और शायद कबीर जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी बातों में जो उसकी उनके दोहे हैं उसमें शायद आदमी इतना बंध जाता है कि वो उससे निकल भी नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया है शायद, और मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस मैसेज को आगे पास ऑन करेंगे जो आप लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूँगा हमारे एटलियर थिएटर ग्रुप जो है उनके जो डायरेक्टर हैं कुलजीत सर को, कि प्लीज़ वो आए और अपनी बातें रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु। बात जब शुरू हुई थी तो आर्टिस्ट के बारे में बताते हुए, क्योंकि आगे उधर खड़े हुए थे, आपने गौरव को कहा वो एक्सट्रीम राइट पे हैं। वो पोजीशन गलत है वैसे, लेकिन हैं वो राइट पे, बस बैठे हुए। थैंक यू। हम सब लोग अटेलियर रेपर्टरी के साथ काम करते हैं और ये एक लार्जर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कोविड के टाइम पर जब सारे ऑडिटोरियम्स बंद हो गए थे तो हम सब लोग घर पे बैठ के सोच रहे थे कि क्या बनाएं, क्योंकि हमारा प्राइमरी काम था ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म करना। और जिस घर से मैं आता हूँ वहाँ पर नानक साहब पढ़े जाते थे, तो हमने एक मुहिम शुरू करी कि चलिए एक दास्तान बनाएंगे जो बाबा नानक की बातचीत के इर्द गिर्द होगा। और पहली दास्तानें गुरु नानक करने के बाद ये उस बड़े प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा है। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि इस नफ़रत के माहौल में अगर रेस्पॉन्ड करना हो किसी तरीके से तो एक ही तरीका दिखता है सामने, कि इश्क प्रेम इतना करें कि नफरत छोटी होती दिखे। तो जो हमारे लिए तीन क्रूसेडर्स हैं वो बाबा नानक के बाद एक कबीरदास हैं, इसके बाद बाबा शेख फरीद तीसरे उस कड़ी में हमें दिखते हैं। इन सब में आपको जानकर आप जानते भी होंगे, सबसे पहले सबसे छोटे नानक हैं, उनके ऊपर कबीर आते हैं और फाइनली शेख फरीद आते हैं। जो बड़ा प्रोजेक्ट है द ट्रिलजी ऑफ लव, उसमें इन तीन कड़ियों को हम बांध कर घूमने का सोचते हैं कि कुछ समय के बाद जब तीसरी दास्तान तैयार हो जाएगी बाबा शेख फरीद पर, तो कबीर नानक और फरीद को लेकर गांव-गांव, देहात-देहात, शहर शहरों से बाहर अलग अलग जगह ले जाया जा सके। कबीर साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा, वो कहते हैं कि
पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत, और उससे पहली लाइन उसको जोड़ती है, सूरा सो पहचानी ये जो लड़े दीन के हेत। इंटरप्रिटेशंस अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से करी हैं कि दीन क्या है और सूरा कौन है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब कबीर आए, जब नानक आए, तानाशाह तब भी थे, तानाशाह अब भी हैं। लड़ाई का जरिया बदल गया है। नानक ने अपने ढंग से लड़ाई की, कबीर साहब ने अपने ढंग से लड़ाई की, हम लोगों को उस तानाशाही, उस धक्केबाजी के खिलाफ मोर्चा तो संभालना ही होगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम उस मुल्क में हैं जहाँ पर सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से चलती हैं, और मेरे एक्टिविस्ट दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो धर्म ही को नहीं जानते, तो कैसे मुकाबला करेंगे उन फोर्सेस का जो धर्म के बेसिस पर एक्सप्लॉइट करती हैं। मेरे ख्याल से कबीर हमें राह देते हैं, वो धर्म को एक नए नज़रिए से देखते हैं, धर्म को रीइंटरप्रेट करते हैं। राम तो कबीर के प्रिय हैं, लेकिन वो कौन से राम हैं? आपने दास्तान में सुना, राम हम सबके प्रिय हैं, लेकिन फिर हम कैसे देखेंगे उस राम को? ये आई थिंक हम सब लोगों की एक कोशिश है। नफ़रत के इस माहौल में इश्क ही साथ देगा। अब इश्क का मतलब आप सब लोग जानते हैं, मैं कोई मैन वुमन रिलेशनशिप तक नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि जब आप कायनात से इश्क करते हैं तो कबीर के हिसाब से देखें तो दूसरा कोई होता नहीं, फिर एक ही है। अगर एक ही है तो फिर किससे नफ़रत कीजिएगा, किससे नफ़रत कीजिएगा? तो इन सब बातों को लेकर एक लार्जर प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, उसका नाम है द क्रूसेडर्स ऑफ लव, और उसमें नानक, कबीर और फरीद, ये तीनों हमारे परव्यू में हम देख पाते हैं कि कैसे सूफी भक्ति ट्रेडिशन एक राह हमें दिखा रहा है, और राह तब भी उतनी ही ज़रूरत थी जितनी आज ज़रूरत है। मकसद थिएटर के तीन लोग हैं हमारे साथ, आप लोगों से पहले इंट्रोड्यूस कराया गया है, कुछ साथी बाद में आए तो मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे जो लेफ्ट में बैठे हैं, मैं जान के इधर आया हूं, वो रम रम में हैं, घट घट में हैं, उनका नाम ईश्वर है, और उनके साथ ही में जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं, उनको हम प्यार से कार्तिक भी बोलते हैं, और जो तीसरे हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, उनका नाम कमल है, और जो चौथे हैं वो हमारे अपने रेपर्टरी के बहुत पुराने एक्टर हैं, दिखते नए हैं वैसे हैं पुराने, काफ़ी साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका नाम गौरव सूरी है। ये दोस्त जो पहले तीन हैं, ये मकसद म्यूज़िक राजस्थान में म्यूज़िक करते हैं, और इनका म्यूज़िक बस गाने बजाने तक सीमित नहीं है, सोशल चेंज, समाज में बराबरी की बात कर सकें, जेंडर को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उसका एक पूरी मुहिम है, और मुझे लगता है जैसा पहले बताया गया कि बचपन से ही इन काम में वो लगे हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ उन्होंने अपना बचपन भी बताया, वहाँ से संगीत सीखा, और उसके बाद अब हम दास्तान कर रहे हैं। गौरव पेशे से आईटी इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन साथ में थिएटर करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो थिएटर करते हैं और पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, या इसका उलट है, लेकिन वो रेगुलर साथ में काम करते हैं। कल इसी दास्तान को हमने गुड़गांव में कलस्थली में किया था, आज जेएनयू में हैं, और कल घिटौरनी में एक छोटा सा स्टूडियो स्पेस है जिसका नाम है क्रिएट स्टूडियो, अगर आप लोग आना चाहें तो वहाँ भी आ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे अपनी चाल को बताते रहते हैं, हम कहाँ से कहाँ पर हैं। अटेलियर थिएटर सी करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसको देख सकते हैं। इस दास्तान की प्रोडक्शन डॉक्टर मानसी ग्रोवर ने की हैं, क्या मैं उनको कहूं कि वो यहाँ आ जाएं
और ऑडियंस से बात कर लें। मानसी की पीएचडी जो है वो डिसेबिलिटी स्टडीज में है और इन दिनों एक प्रयास है कि जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है उनके साथ अगर एक्टिंग की वर्कशॉप करनी हो तो कैसे की जाएगी, उसकी एस्थेटिक्स क्या होगी, उसकी ग्रामर क्या होगी, उसकी पोइटिक्स क्या होगी, उसकी पॉलिटिक्स क्या होगी, इस पर बहुत गहन चिंतन मानसी कर रही हैं। किरोड़ीमल कॉलेज में एक CDRT है, उस सेंटर के साथ एक इस समय प्रोग्राम चल रहा ख्वाब, जिसमें एक बहुत इंक्लूसिव किस्म का ग्रुप है जिसमें 5 ब्लाइंड यंग स्टूडेंट्स हैं और बाकी 20 नॉन डिसेबल्ड हैं, उनके साथ एक वर्कशॉप वो चल रही है। मुझे लगता है लगभग 8 हफ्ते बाद एक नाटक का मंचन होगा, आप सभी को मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। देखिए ये हमारे लोगों द्वारा बनाया गया जो ग्रामर है नाटक का वो कैसे वहाँ टूटता है, कैसे चरमराता है और कैसे गिर जाता है। प्रयास हमेशा कॉन्टेस्टेशन का होना चाहिए, एजुकेशन का मतलब ही है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट की जा सके जो शायद मुश्किल सी लगती हो। मुझे लगता है नानक ने भी यही किया, कबीर साहब ने भी यही किया, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करी जो हम अब देख पाते हैं। उस समय शायद लोग उसको जानकर दरकिनार करते रहे। मुझे लगता है एजुकेशन का, एजुकेशनिस्ट का, रिसर्चर का, स्टूडेंट्स का जो कोर काम है वो है अल्टरनेटिव्स क्रिएट करना। जो बनी बनाई परंपराएं हैं उसके सामने क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई नया तरीका है, क्या कोई नए ढंग से हम उसी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये दास्तान कोई भी उसी डायरेक्शन में एक नया इनिशिएटिव है कि कैसे कबीर साहब हमें पुरानी चीज़ों को नए ढंग से देखने की सबक देते हैं। आप सभी लोग जम के खड़े रहे, सर्दी भी काफ़ी थी उसके बावजूद आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि हम फरीद साहब को भी यहाँ लेकर आएँ और नानक साहब को भी यहाँ लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया NSUI, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स जो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए, आप सब लोगों ने साथ में सहयोग किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और एक व्यक्ति है, एक इंसान है जिनका मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सबा, जो आपने इतनी बेहतर तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया सारी चीज़ें। और आप लोगों से ये अपील है कि वहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, हालांकि कई सारे लोगों ने डोनेशन किया है लेकिन प्लीज़ आप लोग डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि कलाकारों के लिए जो है वो आपके लिए, आपका प्रेम उसी से प्रदर्शित होता है कि उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो आपके लिए कितना मैटर करता है, कितना बेहतरीन आपने उन्हें सीखा है, उन चीज़ों को लिया है। तो और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि प्लीज़ सारे लोग एक साथ अगर स्टेज के बगल में आ जाए तो हम लोग एक ग्रुप फोटो के लिए आना चाहते थे। प्लीज़ आप लोग सभी लोग आ जाएँ इधर ना, तो स्टेज के बगल में आप लोग ऐसे ही बैठे रहें, हम लोग स्टेज के बगल में खड़े हो जाएंगे, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा ना। प्लीज़ प्लीज़ कुलदीप सर, प्लीज़ आप लोग बैठे रहिए, हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए।